हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। गाइस, आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बीच में मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई और इसी वजह से मैंने सब कुछ बंद कर दिया। बीच में मेरी सिस्टर के कुछ वीडियो थे, वो डाले थे मैंने बस एडिटिंग करके, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया इतने दिन में। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है, मतलब जुकाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अब मैं ठीक हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ फिर से आया जाए, तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है और ये देखो सुबह के बज चुके हैं 7। आज मैं उठने में भी लेट हो गई, तो वैसे 6 बजे उठ जाया करती हूँ, 6:30, 6:15 तक, बट आज थोड़ा लेट हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लगता है ऐसे थोड़ा सा भी लेट उठती हूँ, बट ठीक है, मतलब नहीं जाग आई, हो गया। तो अभी मैं सबसे पहले अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन आपको बताती हूँ कि मैं सुबह सुबह उठकर क्या करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने मुंह वगैरह धो लिया है, फ्रेश हो लिया है अच्छे से। तो फ्रेश व्रेश होने के बाद मेरे रूटीन का पहला काम है नीम की पत्तियाँ खाना, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और मैं काफ़ी दिन से नीम की पत्तियाँ खा रही हूँ और मुझे जुकाम वगैरह भी रहती, तो उसके लिए भी नीम की पत्तियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो इसीलिए मैं अभी लेके आ रही हूँ नीम की पत्तियाँ। ये रहे हमारे नीम, और यहाँ से अब हम लेंगे पत्तियाँ। ये देखो गाइस, कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ पे, है ना, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे, बहुत अच्छी। तो मैं कई बार यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ठंडी हवा में इतना सुकून मिलता है ना, कि दोपहर के टाइम में जब मतलब लाइट वगैरह चली जाती है या फिर कई बार पंखे में भी बैठे बैठे उब जाते हैं, तो उस वक्त यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ मैं। तो वो लकड़ी बड़ी है ना, कितने कहाँ गई, इधर वाली वो वाली लकड़ी, उस पर आके बैठ जाती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा। तो अब मैं ले लेती हूँ खाने के लिए नीम की पत्तियाँ। ये जो इसमें बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तियाँ ना, ये वाली ऐसी वाली खानी होती हैं, मैं खाऊंगी अभी ये वाली पत्तियाँ। और ये देखो, जुखाम की वजह से मेरी आँखें भी लाल हो चुकी, क्योंकि आँखों में खुजली होती है, जुखाम होता है, तो इसी वजह से मेरी आँखें लाल हो गई हैं। हमारे टीचर आ रही है स्कूल की, स्कूल लगने वाला है ना इसलिए। तो ये रही नीम की पत्तियाँ, मैंने इनको अलग कर लिया है डंडी से, यानी कि तने से, और अब इनको खा लेते हैं। नीम की पत्तियाँ खाने का काम हो चुका है, अब मैं पीऊँगी पानी, तो अब पानी पियेंगे और उसके बाद थोड़ा योग अभ्यास करेंगे और फिर बनाएंगे चाय। तो पहले पीती हूँ मैं पानी, उसके बाद में योग और फिर चाय। तो चलिए अब हम अपना बचा हुआ काम करते हैं, और उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारे गली के कुत्ते। देखो, दो तो चले गए और दो ये अभी भी लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुबह सुबह। ये देखो सुबह सुबह खोजबीन शुरू कर दी है इन लोगों ने। चलो अब हम चलते हैं अंदर और करते हैं अपना बचा हुआ काम। ये मैंने ले लिया है पानी पीने के लिए, जो कि मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, थोड़ा थोड़ा गर्म किया है, क्योंकि मुझे हो रखा है जुखाम, और जुखाम में ठंडा पानी पीती हूँ तो फिर और ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ ताकि जुखाम से राहत मिल सके। देखो देखो कैसे सो रहा है आराम से। तो गाइज, फाइनली मेरा योगा हो गया है, करीब 20 मिनट तक मैंने योगा कर लिया, और ये देखो मेरी आंखों में हल्का हल्का पानी आ चुका है, क्योंकि आंखें जो हैं सुबह से खुजली हो रही थी, और अब योगा किया है तो थोड़ा
थोड़ा सा आराम मिला है इस चीज़ में, क्योंकि जुखाम में भी थोड़ा आराम मिला है और आंखों में खुजली भी अब कम हो गई है। तो अब योगा तो हो गया है, अब हम चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। चलते हैं नीचे गाइज, ये देखो ये यहाँ पे बैठा हुआ है। पहले तो डर के भाग आया था, वैसे ये बड़ा खराब है, मुन्नी की पिटाई कर देता है, तो इसीलिए हम इसको ना यहाँ पे टिकने नहीं देते। अरे बिल्लू डर गया, आगे गेट बंद है, ये देखो आगे गेट बंद पड़ा हुआ है, तो बेचारा आगे तो जा नहीं सका, तो वहीं पे खड़ा हो गया, अंदर घुस गया अब ये। मम्मी क्या कर रही है, क्या कर रही है मम्मी? लड्डू खा रही है, ये देखो चोरी चोरी लड्डू खा रही है। मम्मी ने सोचा पता नहीं कौन आ गया, डर गई बेचारी। और मम्मी किवें? ठीक है। ठीक है, लड्डू खाधी जानी है। हाँ भूख लगी है। अच्छा, मम्मी को भूख लगी है इसलिए, मम्मी की भूख लड्डू से मिट जाती है, तो इसलिए लड्डू खा रहे हैं। और यहाँ देखो मैंने अपनी चाय डोलू में बनाई है, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे बंद किया था, चाय भी नहीं है, ये दूध में पत्ती डाली है मैंने, क्योंकि पापा आज है नहीं घर पे, और इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बना ली। डोलू के अंदर दूध था, उसके अंदर ही पत्ती और चीनी डाल दी, ताकि टोपिया खराब ना हो, ज़्यादा बर्तन खराब नहीं हो इसलिए। तो आ जाओ गाइज पी लो चाय, तो मैं पीती हूँ चाय, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय।